सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ऑन करें बेटा, कर दिया, ओके। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, देखो दो एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ लिए, दायरे में घूमते हुए ऑब्जेक्ट के अंदर दो एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक एंगुलर एक्सेलरेशन। ये दोनों एक्सेलरेशन कब तक होते हैं? जब तक ऑब्जेक्ट या तो स्पीड पकड़ रहा हो या तो उसकी स्पीड कम हो रही हो। लेकिन जिस वक्त उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो जाती है, वो एक ही स्पीड से घूमने लगता है, उस वक्त ना तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और ना ही इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है उसे आप क्या कहते हैं? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन की असल वजह क्या होती है? उसकी स्पीड में तब्दीली नहीं, बल्कि हर लम्हा उसकी वेलोसिटी बदल रही है, यानी जो डायरेक्शन है हर लम्हा वो बदल रही है। फर्ज कीजिए इसकी स्पीड हो गई है 5, कितनी हो गई है? 5। यहां पर भी 5 होगी, यहां पर भी क्या होगी? 5 होगी, यहां पर भी क्या होगी? 5 होगी। लेकिन स्पीड तो सेम है, 5 मीटर पर सेकंड यहां पर भी, 5 मीटर पर सेकंड यहां पर भी, लेकिन डायरेक्शन सबकी क्या है? मुख्तलिफ है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है तो यूनिफॉर्म स्पीड होने के बावजूद हर लम्हा डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से वेलोसिटी में तब्दीली आती है। यूनिफॉर्म स्पीड होने के बावजूद हर लम्हा डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से वेलोसिटी में तब्दीली आती है। वेलोसिटी की यह तब्दीली जो डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से है, एक सेकंड में जो तब्दीली आती है उसे आप कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सही है। जब कोई जिस्म, जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है तो हर लम्हा उसकी सिम्त की तब्दीली की वजह से उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आती है। एक सेकंड में वेलोसिटी में होने वाली वो तब्दीली जो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से हो, एक सेकंड में वेलोसिटी में होने वाली तब्दीली जो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से हो, ऐसी तब्दीली को आप कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन इसके लिए शर्त यह कि ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा हो, सड़क पे नहीं चल रहा। अगर सड़क पे चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है, तो उस वक्त वेलोसिटी की तब्दीली की बात नहीं कर रहे। दायरे में घूमते हुए ऑब्जेक्ट की एक सेकंड में वेलोसिटी में तब्दीली जो सिम्त की वजह से आ रही है उसको आप कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। कल हमने इसको मुख्तसर से आपको बता भी दिया था, लिख भी लिया था आपने। आज हमें इसका फार्मूला जो है वो डिफाइन करना है। इसका फार्मूला हमें देखना है कि क्या फार्मूला होगा इसका। तो ये थोड़ा सा आपको तवज्जो से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें वेक्टर एनालिसिस ज्यादा है। आपकी किताब का कोर्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझ लें, और आप समझ सकते हैं इसलिए कि आपने वेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ये आप अभी समझ लेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको अगले टॉपिक्स पढ़ने ज्यादा आसानी से आ जाएंगे। तो देखिए, मेरे पास एक, फर्ज कीजिए कि पहले ऑब्जेक्ट यहां था और अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया? यहां आ गया। ये इसका डिग्री में आप एंगल ले लो, या आप इसका यूनिट रेडियस का डिस्टेंस ले लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो, या इसको रेडियस में उसमें मान लो डिग्री के अंदर। मैं एक इस स्टेप पर और एक इस स्टेप पर, यहां पर वेलोसिटीज की ये है और यहां पर वेलोसिटीज की ये है। क्या इन दोनों वेलोसिटीज में तब्दीली आई है? इन दोनों वेलोसिटीज की अददी कीमत में या इसकी मैग्नीट्यूड में तो कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन इसकी डायरेक्शन में तब्दीली आ गई। अगर मैं आपसे कहूं कितनी तब्दीली आई डायरेक्शन में, तो आप बता सकते हैं जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। क्योंकि अगर इसको वापस आप लेकर आओगे ऐसे, तो ये वापस ऐसे आ जाएगा इसके ऊपर। इसका मतलब जितना ये खुल रहा है उतना ही इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। सही है। तो एक स्टेज पर अगर मैं वेलोसिटी का एक वेक्टर ये ले लूं जो ऐसे जा रहा है यहां पर, ये वाला, और दूसरे स्टेज का वेलोसिटी का वेक्टर ये ले लूं, ये वेलोसिटी 1 है और ये वेलोसिटी 2 है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड कौन है? ये भी 5 है और ये भी कितना है? 5 है। लेकिन दोनों के दरमियान क्या पाया जाता है? एंगल पाया जाता है। ये बात आपकी सुना रही है। अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिला दूं, ये वाली चीज को,
और इसका नाम फर्ज करो रखता हूं एक्स, क्या नाम रखता हूं, तो ये बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप अगर कहें तो ये और ये वेक्टर यानी वी वन और एक्स, ये दोनों हेड एंड टेल रूल के तहत मिले हुए हैं। वी वन और एक्स किस रूल के तहत मिले हुए हैं, हेड एंड टेल रूल। आपको पता अगर दो वेक्टर हेड एंड टेल रूल के तहत मिले हो तो पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, ये इसका रिजल्टेंट होता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था आपको ये हेड और ये टेल ऐसे जुड़े ना हो, तो पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का जो हेड होता है ये क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अगर इसका नाम ए रखें और इसका नाम बी रखें तो हम कहते थे ए और बी का जो मजमुआ है वो किसके बराबर है, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर है। इसकी बुनियाद पर हम यहाँ पे भी कह सकते हैं वी वन और एक्स का जो मजमुआ है वो किसके बराबर है, वी टू के बराबर है। ये बात समझ आई आपको, ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं, ये एक वेक्टर है v1 और ये एक वेक्टर है x, दोनों किस रूल के तहत मिले हुए, हेड एंड टेल रूल। तो इन दोनों का मजमुआ बराबर होगा इस तीसरे वेक्टर v2 के। ये बात क्लियर होगी, अच्छा जी। तो x अगर मालूम करना हो तो क्या करेंगे, x को यहां ऐसे ही रहने दीजिए, v1 वाला के किसका हो गया, माइनस का हो गया, v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 का मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो डिफरेंस है वो ये वेक्टर है। हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, हम पता करना चाह रहे हैं इस वेलोसिटी में और इस वेलोसिटी में कितना फर्क आया। मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से आया। लेकिन आज जब हम वेक्टर एनालिसिस करके फर्क मालूम कर रहे हैं तो पता चल रहा है जो वेक्टर आ रहा है फर्क का, उसकी मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है। वाओ, उसकी मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है। हालांकि मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड का फर्क क्या बनता है, जीरो। लेकिन जब आप वेक्टर एनालिसिस कर रहे हो तो आप कह रहे हो नहीं, जीरो तो नहीं बनता, ये इसकी मैग्नीट्यूड भी है, वेलोसिटी में ये डिफरेंस आया, जिसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी और कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है। ये बात समझ आ रही है आपको, ये थोड़ी सी अरहंगी सी आती है। वेलोसिटी दोनों की स्पीड सेम है, स्पीड का फर्क क्या, जीरो है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। उन दोनों की वेलोसिटीज को जब आपने माइनस करा तो पता चला कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, पांच में से पांच गया, जीरो नहीं बचा, पांच में से पांच गया, कुछ बचा जी, कुछ बचा, उसकी मैग्नीट्यूड निकली और उसकी डायरेक्शन भी कुछ निकली। तो ये जो वेक्टर एक्स है उसको आप कह सकते हैं डेल्टा वी, क्या कह सकते हैं, वी टू माइनस वी वन। ये बात आपके समझ आ गई या नहीं आ गई, नहीं आई क्यों, ये नहीं आई, ये आ गई भाई। इसको मैंने डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब होता है वेलोसिटी का फर्क। ये एक्स दरअसल क्या है, इन दोनों वेलोसिटीज का फर्क तो है, या फिर इसको एक्स लिखने के बजाय क्या लिख दिया, डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब इन दोनों वेलोसिटीज का फर्क, इन दोनों वेलोसिटीज का फर्क। ये बात आपके समझ आ गई, अच्छा। आपको पता है दोनों वेलोसिटीज के फर्क को, अच्छा एक हमने जो ट्राइंगल बनाई वो बनाई दोनों वेलोसिटीज की ट्राइंगल बनाई। अब हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, अगरचे कि दोनों रेडियस सेम ही हैं, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको आप जाहिर करते हैं S से, किससे जाहिर करते हैं, S से, ठीक है। तो मैं एक ट्राइंगल ये बना रहा हूं, एक ट्राइंगल ये बना रहा हूं, एक ये रेडियस R है और एक ये रेडियस R है, ठीक है। और ये इनके दरमियान क्या है, ये इसका डिस्टेंस कवर हुआ हुआ है। इस ये बहुत कम एंगल है इसलिए हम ये वाला डिस्टेंस ये वाला मान ले रहे हैं, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की इक्वेशन बना ले रहे हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि जब दायरे में कोई ऑब्जेक्ट घुमा है तो हमने ये सपोज किया है कि ये बहुत दूर नहीं है बल्कि भी यही है। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये तकरीबन किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, और गोलाई भी नहीं होगी। अगर एंगल बहुत छोटा मान लिया जाए, अगर एंगल बहुत छोटा मान लिया जाए तो ऐसी सूरत में आप नहीं कह सकते कि ये गोल होगा। हाँ, अगर एंगल बड़ा मान लिया जाए तो फिर आप बोलेंगे ये क्या होगा, गोल होगा। तो हमने बहुत छोटे एंगल माना हुआ है, उस छोटे एंगल के ऊपर ये भी एक उसकी लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये समझ लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल डेवलप हुई हुई है, इसमें ये भी आर है और ये भी आर है, और ये एंगल बहुत छोटा है। इसमें ये वाला फासला किससे जाहिर होता है, एस से जाहिर होता है, ये वाला फासला किससे जाहिर होता है, और ये एंगल है थीटा। तो
एक ट्राइंगल वेलोसिटी की ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल आपके पास जो है वो रेडियस की ट्राइंगल है, सही है। ये ट्राइंगल मैंने किसकी मदद से बनाई है? रेडियस की मदद से। और ये वाली ट्राइंगल किसकी मदद से बनाई है? वेलोसिटी की। आप अगर गौर करें तो ये ट्राइंगल छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। आपको पता है एंगल अगर सेम हो तो ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे के मुतशाबे होती है, इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको, सही। यानी मैंने आपको जब साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा पढ़ा रहा था तो मैं कहता था कि अगर एंगल सेम है तो साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, चाहे ट्राइंगल छोटी हो चाहे ट्राइंगल बड़ी हो। तो अगर मैं ये वाली ट्राइंगल बनाता हूँ वेलोसिटी की जो बड़ी बनती है और रेडियस की ट्राइंगल बनाता हूँ छोटी बनती है, ये दिखने में छोटी बड़ी होगी लेकिन दोनों के एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ऐसी सिचुएशन में जब दोनों एंगल सेम हो तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी की ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? वेलोसिटी की ट्राइंगल और रेडियस की ट्राइंगल। तो मैं यहां लिख रहा हूं ट्राइंगल ऑफ वेलोसिटी एंड ट्राइंगल ऑफ रेडियस आर इक्विवेलेंट। ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब एक जैसी है। तो इस वेलोसिटी का टेन थीटा और इस वेलोसिटी का टेन थीटा दोनों आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। इस वेलोसिटी का टेन थीटा, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये मेरा परपेंडिकुलर है एक्स और ये मेरा बेस है वी। तो मैं लिख रहा हूं एक्स ओवर वी। ये समझ में आई बात? एक्स ओवर, और इसमें अगर आओ परपेंडिकुलर ओवर बेस तो इसका मेरा परपेंडिकुलर क्या है? एस, और बेस क्या है? आर। तो मैंने लिखा एस अपॉन आर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये बात बहुत आसान है, तो मुश्किल नहीं है। ये मैं किस वेलोसिटी, किस ट्राइंगल पर बात कर रहा हूँ? वेलोसिटी के ट्राइंगल पर। ये मैं किस पर बात कर रहा हूँ? रेडियस के ट्राइंगल पर। रेडियस के ट्राइंगल का टेन थीटा और वेलोसिटी के ट्राइंगल का टेन थीटा दोनों बराबर होगा, क्यों? इसलिए ये ट्राइंगल इक्विवेलेंट है। इसका टेन थीटा निकाला वो क्या निकलेगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर, और इसका टेन थीटा निकाला बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये बात क्लियर हो गई आपको या नहीं? तो ये वाला वी ऐसे रहने दीजिए, एक्स को ऐसे रहने दीजिए, वी को वहां ले जाइए, एस अपॉन आर इंटू वी। ठीक है, अच्छा ये एक्स क्या है? डेल्टा वी है। दरअसल डेल्टा वी का मतलब वेलोसिटी में चेंज, एस अपॉन आर इंटू वी। ये समझ में आ रही बात? मैंने एक्स की जगह क्या लिखा? डेल्टा वी पहले बता दिया था कि एक्स दरअसल क्या है? वेलोसिटी का डिफरेंस है। इसको हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? ये वेलोसिटी में चेंज आ गया, इसको टाइम से तकसीम करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आ जाएगा। इसको किससे तकसीम करेंगे? टाइम से। मैं इसको तकसीम कर रहा हूँ टाइम से, यहाँ पे भी तकसीम कर रहा हूँ टाइम से और यहाँ पे भी तकसीम कर रहा हूँ टाइम से। मैंने तकसीम क्यों किया? इसलिए कि मैं क्या मालूम करना चाह रहा हूँ? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक सेकेंड में वेलोसिटी में आने वाली तब्दीली। ये कौन सी वेलोसिटी में तब्दीली है? जो एक जैसी थी। और ये तब्दीली कौन सी है? जो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आ रही है। तो ये वाली जो आपके पास, ये क्या, इसको कैसे पढ़ेंगे? एक सेकेंड में वेलोसिटी में होने वाली तब्दीली जो सिर्फ किसकी वजह से हो रही है? डायरेक्शन की वजह से हो रही है। इसी को आप कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? इसकी जगह मैंने लिख दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बराबर का निशान। ये एस अपॉन आर है, क्या है? एस अपॉन, मैं इसको एस अपॉन टी लिख देता हूं और यहां लिख देता हूं वी अपॉन आर। वी अपॉन वी आर यहां दे दिया, टी यहां दे दिया। यहां तक समझ में आ गई बात? ये आपके पास जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एस अपॉन टी वी होता है। ये पढ़ा हमने पहले चैप्टर में, एस अपॉन टी बराबर होता है किसके? वी के। जरब वी अपॉन आर के, तो वी को वी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आपके पास आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला, कि अगर आप इस की किसी भी स्पीड को, ये जो पांच स्पीड है, इसका स्क्वायर कर दें और इसके रेडियस से इसको तकसीम कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप इसको लिखें, मैं बताता जाता हूं, उर्दू में लिखें। फर्ज कीजिए एक ऑब्जेक्ट वी स्पीड से आर रेडियस के दायरे में घूम रहा है,
फर्ज कीजिए एक ऑब्जेक्ट वी स्पीड से आर रेडियस के दायरे में घूम रहा है, और ये वाली तस्वीर बना लें, ये वाली तस्वीर। ये वाली तस्वीर बना लें। ठीक है, बना ली। फिर आपको हेडिंग डालनी है चेंज इन वेलोसिटी, और हेडिंग डाल के ये तस्वीर यहां तक उतारनी है। इसको उतारने के बाद आप ये लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, और ये वाली तस्वीर बनाएंगे V1, V2, X, ये सब लिखेंगे यहां तक। ठीक है, ग्लास है, यहां तक उतार लिया। फिर आप हेडिंग डालेंगे ट्राइंगल ऑफ रेडियस, और ये वाली तस्वीर उतारेंगे। फिर यहां हेडिंग डालेंगे रिलेशन, और ये सब उतारते हुए यहां तक आ जाएंगे पूरा। ठीक है, ऑफ कर दें इसको।